आइए दोस्तों फाइनली एक सैम्पल रिज्यूमे के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे एक बीबीए फ्रेशर कैंडिडेट अपने लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है। तो रिज्यूमे के टॉप पर कैंडिडेट अपना नाम लिख सकता है, उसके नीचे मेंशन कर सकता है अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि लिंक्डइन क्या है तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप उस वीडियो को देखकर क्लैरिटी से समझ सकते हैं लिंक्डइन क्या है। हालांकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहूंगा, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल आपस में कनेक्टेड रहते हैं। आइए दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के करियर ऑब्जेक्टिव पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। अ बीबीए मार्केटिंग ग्रेजुएट लुकिंग फॉर एन एंट्री लेवल पोजीशन एट एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन इनहेंस माई स्किल्स एंड नॉलेज अलॉन्ग विद कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कैंडिडेट बहुत क्लियरली कह रहा है कि वो एक बीबीए मार्केटिंग ग्रेजुएट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेवल की पोजीशन ढूंढ रहा है, जहां पर वो अपनी स्किल्स और नॉलेज को इन्हांस कर सके, मतलब बढ़ा सके, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी अपना योगदान दे सके। तो अगर आप एक कंप्लीट फ्रेशर हैं तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। आइए दोस्तों बात करते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है मार्केटिंग एस्पिरेंट हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। मतलब जो कैंडिडेट है वो एक मार्केटिंग एस्पिरेंट है जिसके पास में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन और उसके साथ में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही मजबूत फंडामेंटल नॉलेज है, साउंड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसके पास ऑफलाइन यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसको आप डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, उससे रिलेटेड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है जो कि बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद देखिए टीम प्लेयर विथ इफेक्टिव मैनेजीरियल स्किल्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो एक टीम प्लेयर है और उसके पास में प्रभावशाली मैनेजीरियल स्किल्स है, स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन एंड पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसके पास में बहुत अच्छी मोलभाव करने की और लोगों को मैनेज करने की स्किल्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ने अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस किया है, जहाँ पर उसने बताया है कि वो प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आने वाले चैलेंजेस के लिए पहले से तैयार होता है। उसके बाद देखिए उसने लिखा है क्रिएटिव, मतलब वो रचनात्मक है। और तीसरा देखिए उसने लिखा है कि वो एक क्विक लर्नर है, मतलब तेजी से सीखने वाला है। अगर आप एक मार्केटिंग के फ्रेशर हैं तो हमेशा याद रखिए आपको प्रोएक्टिव, क्रिएटिव और क्विक लर्नर बनना पड़ता है अगर आप अच्छी तरीके से अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपने रिज्यूमे में आप प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं, और भले आप फ्रेशर हों, इस तरीके से प्रोफाइल समरी को लिखकर आप अपने रिज्यूमे के माध्यम से एचआर को या उस व्यक्ति को जो भी आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट की इंटर्नशिप पर। तो देखिए यहाँ पर इंटर्नशिप में उसने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि उसने कौन सी कंपनी में, किस प्रोफाइल पर, किस टॉपिक पर, कौन सी ड्यूरेशन पे, कौन सी लोकेशन पे अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की थी। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है 123 FMCG प्राइवेट लिमिटेड। कैंडिडेट की जो प्रोफाइल थी वो मार्केटिंग इंटर्न की थी। टॉपिक जो उसकी इंटर्नशिप का था वो ये था कि वो एनालाइज कर रहा था कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का, किसके लिए, कंपनी के FMCG प्रोडक्ट्स को लेकर। ड्यूरेशन 3 months की थी। आप चाहें तो यहाँ ईयर भी मेंशन कर सकते हैं इसके साथ में। देखिए लोकेशन उसने मेंशन की है जो कि न्यू दिल्ली थी, और यहाँ पर समरी का ऑप्शन दे रखा है जहाँ पर कैंडिडेट ये लिख सकता है कि इस पूरी इंटर्नशिप के दौरान उसने क्या फाइंडिंग्स की, उसने किस तरीके से कंपनी को मदद की और उसने क्या क्या सीखा। तो इस तरीके से अगर आप अपने रिज्यूमे में अपना इंटर्नशिप डिटेल लिखते हैं तो ट्रस्ट मी HR को या उस व्यक्ति को जो भी आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है आप उसको ज़रूर प्रभावित करने में कामयाब होंगे। इंटर्नशिप के बाद दोस्तों बढ़ते हैं कैंडिडेट के प्रोजेक्ट डिटेल की तरफ। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल में उसने टॉपिक लिख रखा है। टॉपिक में लिख रखा है एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ 123 FMCG प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए ये 123 FMCG प्राइवेट लिमिटेड की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एनालिसिस कर रहा था वो उस प्रोजेक्ट के दौरान। यहाँ पर उसने ड्यूरेशन भी मेंशन की है, आप चाहें तो ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। लोकेशन मेंशन की गई है, यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ की गई है, ये टर्म यूज़ किया गया है जिसमें ये लिखा जा सकता है इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान आपने कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया। और देखिए यहां पर फाइंडिंग का ऑप्शन दिया गया है जहां पर यह स्पेसिफिकली लिखा जाएगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान आपने क्या क्या चीजें फाइंड आउट की रिसर्च के माध्यम से, आपकी क्या नॉलेज गेन की आपने इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान, जिसको आप डिटेल में यहां पर लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर आप समरी का ऑप्शन और भी ऐड कर सकते हैं जिसमें आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। तो अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट डिटेल को मेंशन करने का और इंटर्नशिप डिटेल को मेंशन करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। और अगर आप एक फ्रेशर हैं तो इस तरीके से इसको ज़रूर लिखें जिससे आप रिक्रूटर या एचआर को मैक्सिमम तरीके से इंप्रेस करने में ज़रूर कामयाब होंगे।
आइए दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के स्किल सेट पे। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने पहले पॉइंट में मेंशन किया है डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर कैंडिडेट ये कहना चाह रहा है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी स्किल्ड है। इसके बाद देखिए उसने मेंशन किया मार्केटिंग कैंपेन। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट मार्केटिंग कैंपेन्स को लेकर कोऑर्डिनेट करने में और उन्हें कंडक्ट करने में स्किल रखता है। थर्ड पॉइंट देखिए इवेंट कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर कैंडिडेट ने यह भी लिख रखा है कि इवेंट कोऑर्डिनेशन को लेके वो स्किल रखता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर देखिए उसने लिखा हुआ है चाहे सेल्स की बात हो या बिजनेस डेवलपमेंट की बात हो उससे रिलेटेड स्किल सेट भी कैंडिडेट के पास है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक जनरल स्किल सेट लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल सेट है तो आप उसे स्किल्स हेड के अंडर में मेंशन कर सकते हैं। आइए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेशन में कैंडिडेट ने मेंशन किया है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम, यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं इन ईयर। तो यहाँ पर आप अपना ईयर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई और सर्टिफिकेशन है तो वो भी डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए जब कभी भी आप मेंशन करें तो इन्फॉर्मेशन हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये कहता है कि सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आएगी। अभी 2022 ईयर अगर चल रहा है तो 2022 पहले आएगा, उसके बाद में 2021, उसके बाद में बाकी ईयर उसी सीरियल ऑर्डर में आएंगे। तो इस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेशन डिटेल लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। दोस्तों सर्टिफिकेशन के बाद एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट की सेमिनार्स और वर्कशॉप पे। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने पहले पॉइंट में लिखा हुआ है अटेंडेड डिजिटल मार्केटिंग ट्रिक्स वर्कशॉप इन, यहाँ पर आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कैंडिडेट ने यहाँ पर लिखा हुआ है अटेंडेड एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस सेमिनार इन, यहाँ पर भी आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कैंडिडेट ने लिखा हुआ है अटेंडेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वर्कशॉप इन, यहाँ पर भी आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बोला आपको इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करनी है जिसमें सबसे लेटेस्ट ईयर सबसे पहले आता है और उसके बाद में आता है उसके बाद के ईयर। आइए दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट की एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स फॉर्मेट बनाया गया है जहाँ पर कोर्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की है, इसके अलावा आपका स्पेशलाइजेशन और आप पासिंग ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने BBA का ऑप्शन दिया हुआ है, 12th का ऑप्शन दिया हुआ है, 10th का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार इस बॉक्स फॉर्मेट को बढ़ाया कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं, अपना स्पेशलाइजेशन मेंशन कर सकते हैं और पासिंग ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर मैंने परसेंटेज क्यों नहीं मेंशन किया है। तो दोस्तों क्या वाकई में रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है। आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई में रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दोस्तों एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद आइए एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट की अचीवमेंट्स पे। तो देखिए यहाँ पर उसने लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड कॉलेज इन मैनेजमेंट क्विज कंपटीशन इन, यहाँ पर ईयर मेंशन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ने लिखा है कि उसने कॉलेज को मैनेजमेंट क्विज कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद देखिए कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसने कॉलेज को इनोवेटिव मार्केटिंग आइडियाज़ कॉम्पिटिशन में भी रिप्रेजेंट किया था। लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने कॉलेज को इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में भी रिप्रेजेंट किया था। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको अपनी अचीवमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी एक अच्छा एम्प्लॉय हायर करने के साथ में एक अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति हायर करना चाहती है। तो कंपनी को अपनी अचीवमेंट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये ज़रूर बताएं कि आप केवल प्रोफाइल तक सीमित नहीं है, आपकी पर्सनालिटी के और भी पहलू हैं, आपकी कुछ और अचीवमेंट्स हैं, कुछ आपकी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसके माध्यम से आपने कुछ अचीव किया है। तो ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालता है कंपनी के एचआर पर या रिक्रूटर पर। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों अचीवमेंट के बाद एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के पर्सनल डोजियर पे, जहां पर वो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और करेस्पोंडेंस एड्रेस मेंशन कर सकता है और रिज्यूमे के लास्ट में मेंशन कर सकता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में बेसिकली यही लिखा जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने रिज्यूमे में लिख रहा हूँ वो मेरी तरफ से पूरी तरीके से सत्यापित है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव के साथ में और बाकी डिटेल्स के साथ में अपना एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं जो डेफिनेटली एचआर या रिक्रूटर को प्रभावित करने में कामयाब होगा, क्योंकि इस रिज्यूमे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलुओं को सबसे पहले हाईलाइट किया गया है और इसको एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। I wish you all the best.